हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूं एक कहानी सुनाने। एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि बिजली बचा बचा कर बड़ा ही सक्सेसफुल इंसान बन गया। वो अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में बड़ा ही कामयाब इंसान बना। सो गाइस, अब सवाल आता है कि वो कामयाब कैसे बना बिजली बचा बचा कर। देखिए, हमारे माइंड में आता है जब हमें सक्सेसफुल बनना होता है तो हम सोचते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, इनकी वीडियो देख लेंगे, इनको फॉलो कर लेंगे, इनका कोर्स कर लेंगे, ऐसे कर करके हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल बन जाएंगे। बट सक्सेसफुल हम ये तरीके से नहीं बनते हैं, सक्सेसफुल हम ऐसे नहीं बनते हैं। चलिए मैं स्टोरी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जो कि बड़ा ही अच्छा माइंडसेट रखता था, बड़ा ही अच्छा इंसान था जो कि कामयाब बना, ठीक है ना। सो ये स्टोरी है गाइज दो दोस्तों की जो एक गांव में रहते थे। एक का नाम था शाहिल और एक का नाम था सारिक। तो ये दोनों जो दोस्त थे बड़े ही अच्छे दोस्त थे, समझ में आ रही बात को। और ये दोनों जो दोस्त थे, इन लोगों ने एक दिन क्या किया, प्लान किया कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए और हम लोग जाएंगे बाहर। ये लोग गांव में रहते थे तो ये दोनों ने क्या प्लान किया कि यहाँ गांव में तो तैयारी होती नहीं है, यहाँ कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, तो हम लोग बाहर जाके कुछ करेंगे, अगर जॉब हो गया तो जॉब करेंगे, वरना कुछ बिजनेस का देखेंगे, कुछ सेटल करेंगे अपना बाहर जाके। तो ये लोग ने प्लानिंग किया, अपने घर से परमिशन लिया और ये लोग चले गए शहर में पढ़ाई करने के लिए, कुछ जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है ना। सो ये दोनों क्या किए, तैयारी कर रहे थे, कोचिंग में इन लोगों ने एडमिशन लिया और एक जगह रेंट पे भी इन लोगों ने रूम लिया क्योंकि वो शहर में रह रहे थे। तो ये दोनों रेंट पे रह रहे थे दोनों। तो बहुत दिन इन लोग तैयारी किया, साल भर, दो साल इन लोगों ने क्या किया, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया जमकर। तो क्या हुआ गाइस, बहुत समय के बाद क्या होता है कि ये जो दोनों दोस्त हैं अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, मतलब कि अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, क्या होता है, दोनों दोस्त मिलते हैं और उसमें से जो एक दोस्त था जिसका नाम था शाहिल, वो बड़ा ही कामयाब इंसान बन गया था। तो जो सारिक था वो कुछ खास नहीं कर पाया था अपनी जिंदगी में वो कुछ खास नहीं कर पाया था। तो क्या होता है कि सारिक जो है पूछता है अपने दोस्त साहिल से, ऑब्वियसली सी बात है कि दो दोस्त तैयारी कर रहे हैं और दो में से एक कामयाब हो जाएगा, एक कामयाब नहीं होगा, साथ में दोनों तैयारी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सी बात है वो पूछेगा कि यार हम लोग दोनों साथ में तैयारी करते थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, क्या हो गया ऐसा। तो वही सारिक ने पूछा कि हम लोग दोनों साथ में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, हम लोग दोनों ने खूब मेहनत किया, बट आज तुम इतना कामयाब, सक्सेसफुल, इतने बड़े एम्पायर खड़ा कर दिए, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और हम यहां ऐसे क्यों रह गए, मेरा कुछ क्यों नहीं हो पाया। पता है साहिल ने क्या जवाब दिया, उसका जवाब जो है सुनने लायक था गाइस, आपको एकदम बड़ा गूज बम्स दे देगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के उसका आंसर, ठीक है ना। तो पता है साहिल क्या बोलता है, देखो हम लोग दोनों साथ में रहते थे, रेंट पे रहते थे, पहली बात हम दोनों साथ में रहते थे, क्या होता था जब हम लोग बाहर कहीं भी जाते थे क्लास के लिए, कहीं घूमने के लिए, खाने के लिए, तो क्या होता था कि तुम जो है पहले चीज ऐसे ही चल जाते थे छोड़ के, लाइट को ऑफ नहीं करते थे, फैन को ऑफ नहीं करते थे, ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे, बट मैं उस लाइट को ऑफ करता था, फैन को ऑफ करके चला जाता था। और दूसरी बात, तुम जो है अगर नल खराब होता था तो तुम छोड़ देते थे कि यार मेरा घर नहीं है, हम क्यों नल बनवाएं, यार ये पेंट कवड़ा है, हम पेंट क्यों करवाएं, ये मेरा थोड़ी ना है, हम क्यों करवाने जाए, मालिक करवाएगा, मकान मालिक करवाएगा, हम क्यों करवाने जाए, छोड़ देते थे ना। तुम ठीक से साफ सफाई करते थे, बोलते थे कि ये मेरा घर नहीं, मैं क्यों साफ करूं, छोड़ रहे तो साल भर के बाद चले जाएंगे, अगर बेड कुछ टूट गया है तो बेड को भी तुम रिपेयर नहीं करा देते, ऐसे ही छोड़ देते थे। बट मैं क्या करता था, मैं सारे चीज को साफ सफाई करता था, जब तुम सो जाते थे तो मैं सारा साफ सफाई करता था घर का, जब कोई नल टूटा रहता था तो मैं उसे रिपेयर करता था, बेड को भी मैं रिपेयर करता था या करवाता था, और जो पेंट कवड़ा हुआ रहता था उस पेंट को भी मैं करवाता था। क्यों, क्योंकि तुम सोचते थे कि वो घर मेरा नहीं है, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं यार, हम तो पैसा दे के रह रहे हैं, मेरा घर थोड़ी ना, हम क्यों रिपेयर कराएं, हम क्यों ध्यान दे, मकान मालिक देखेगा। बट मैं सोचता था कि मैं 6 ही महीने के लिए रह रहा हूं, साल भर के लिए रह रहा हूं, मैंने रेंट दिया है तो ये 6 महीना, ये साल भर के लिए घर मेरा हुआ, इस पे हक मेरा है, मकान मालिक आके नहीं रह रहा है, मकान मालिक आके नहीं देख रहा है, तो 6 महीना के लिए मैं मालिक, इस घर का मैं हुआ, तो जो मालिक है वही ना ध्यान देगा। तो इस मेंटालिटी ने, इस माइंड सेट ने उसको इतना बड़ा कामयाब इंसान बनाया गाइस, समझ में आ रही बात को, इस माइंड से उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो जो सारिक था वो सुन के ढल गया, वो सोचा कि यार कितनी बड़ी बात बोली इंसान, देखी गाइस कड़ी मेहनत, 15 घंटा मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाले रिक्शा वाले मजदूर भी कर रहे हैं, बट 5% ही आबादी इस दुनिया को चला रही है, बाकी सब उनके गुलाम है, बाकी सब उनके अंडर काम कर रही है। क्यों, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, वो सोचते कुछ और है, उनकी मेंटालिटी कुछ और है। इंसान जो है ना गाइस
10 घंटा पढ़ के, कोई कोर्स में इनरोल करके, किसी से मोटिवेशन लेके, कहीं भी वोकेशनल कोर्स कर रहा है, बाहर पढ़ाई कर रहा है, इससे गाइडेंस ले रहा है, ऐसे सक्सेसफुल नहीं बनता है। आपकी जो माइंडसेट है, आपकी जो दिमाग है ना, आप कैसे सोचते हो, ये आपको कामयाब बनाता है। आपका नजरिया ही आपको कामयाब बनाता है। आप किस तरीके से सोचते हो, आपका क्या नजरिया है, आप क्या आसपास रहते हो। बहुत लोगों को देखते हैं, अरे मेरा थोड़ी ना, हम क्यों देखे यार, मेरा थोड़ी ना यार, हाँ मेरा हम सरकार देखेगी, ये लोग देखेंगे, मकान मालिक देखेगा, हम नहीं देखेंगे। गाइस यही दिखाता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। यहां पे तो आप दूसरे के इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा रहे हो, जान रहा हूं आप दूसरे के बिजली बिल बचा रहे हो, बट वहां पे आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो कि आप किस तरीके के इंसान हो। अगर मैं सारा लाइट फैन ऑफ कर रहा हूं, उस चीज को देखभाल कर रहा हूं, इसका मतलब कि ये मेरा पर्सनैलिटी दिखाता है कि हाँ मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूं। समझ में आ रही बात को? तो पर्सनालिटी, आपकी माइंडसेट, आपका नजरिया ही आपको कामयाब बनाता है, आपकी सोच ही आपको आगे ले जाती है। तो यही सोच, यही कामयाब साहिल को आज इतना बड़ा इंसान, बड़ा ही आदमी बनाया। इंसान सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्योंकि जानवर होते हैं जो सिर्फ अपने खाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने लिए जिएंगे और मर जाएंगे। इंसान वो नहीं, इंसान में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इंसान और जानवर में। इंसान वो होता है जो सिर्फ अपनी ना सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे कि इस इंसान को तकलीफ ना हो, यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, यहाँ कोई दिक्कत ना हो, मैं उनके बारे में भी सोचू। ये होता है रियल में इंसानियत, ह्यूमैनिटी। समझ में आई? और ये एक सच्चा इंसान की पहचान है। तो गाइज अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको अपना माइंड सेट, आपको मेंटालिटी चेंज करना है। समझ में आई बात को? सो मैं होप करता हूं गाइज कि ये स्टोरी से आप कुछ सीखे होंगे। सो कहीं भी जाएं गाइज तो पहले दूसरों को ध्यान रखे, दूसरा का ख्याल रखे, और आस पास को साफ रखे, स्वच्छ रखे, और लाइट ऑफ, बिजली बचाए, पानी को बचाए, और अच्छे इंसान बन के रहे, अच्छा मैसेज फैलाए सोसाइटी में, और इस देश को आगे ले जाए, ग्रो करें। ठीक है ना? सो तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।